ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। आज अध्यक्ष जी से मत करिए, कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है, सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था कि एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में, आज कितना तारीख है, आज 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूँ। हाँ, मुझे सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ये भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाए, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। आपको लगता है 4 साल में त्रिवेंद्र सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया? ये बुरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर रही। कोई बोल नहीं रहा नेता, कोई बोल नहीं रहा बीजेपी का, ना प्रदेश अध्यक्ष, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, कोई बात नहीं कर रहा है। वो उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बोलेंगे क्या। थैंक यू। कुंभ की गाइडलाइन को लेकर बड़ी असमंजस है। अब इन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है, कुंभ का अवमूल्यन किया है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुंभ की अवधि को घटाया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ।